पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसी बीच जब इस मुद्दे पर योग गुरु बाबा रामदेव से एक पत्रकार ने सवाल किया तो वे थोड़े असहज होते हुए नजर आए। इस दौरान वे पत्रकार पर भड़क गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दरअसल हरियाणा के करनाल में एक कार्यक्रम के दौरान एक पत्रकार ने बाबा रामदेव से मीडिया में उनके एक बयान के बारे में सवाल किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि लोगों को ऐसी सरकार पर विचार करना चाहिए जो 40 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और 300 रुपए प्रति सिलेंडर पर रसोई गैस सुनिश्चित कर सके। सवाल पर रामदेव ने कहा कि हाँ, मैंने कहा था, आप क्या कर सकते हो, ऐसे प्रश्न मत पूछो। बाबा जी, आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई, ऐसे प्रश्न मत पूछो। मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है, तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दू। जब एक बात कह दी, थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ, एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास किया। मैंने दी थी और अब नहीं देता कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। साथ ही बाबा रामदेव ने बढ़ती महंगाई पर सफाई देते हुए कहा कि सब लोग ज्यादा मेहनत करें। सरकार कहती है कि अगर तेल के दाम कम होगा तो टैक्स नहीं मिलेगा, तो वो देश कैसे चलाएंगे, सेना को वेतन कैसे देंगे, सड़क कैसे बनाएंगे। हाँ, महंगाई कम होनी चाहिए, मैं मानता हूँ, दोनों ही पक्ष हैं, लेकिन मेहनत ज्यादा करो। मैं भी सन्यासी होकर सुबह 4 बजे उठता हूँ और रात के 10 बजे तक काम करता हूँ। आपको बता दें कि देश भर में गुरुवार यानी 31 मार्च 2022 को पिछले 10 दिनों में लगातार 9वीं बार पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया है। तेल विपणन कंपनियों ने आज पेट्रोल और डीजल दोनों में 80-80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इसके बाद दिल्ली में आज पेट्रोल का रेट 101.81 रुपए प्रति लीटर हो गया है, वहीं डीजल 93.07 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है।